शिवपुत्र पता नहीं उसने क्या हो, मेरे उसको वीडियो देखा नहीं बाद में, मगर साले हमारे बारे में ऐसी बातें करेगा ना, घर से निकाल के नंगा करके भगा भगा के मारेंगे हम। जब हिसाब का पॉलिटिशियंस का हिसाब हो, ये दुनिया भर का जब हिसाब हो जाएगा, तो ये जो बाकी चूतिया बैठे हैं ना, तो इनको उनके करनी का हिसाब देंगे। तो दोस्तों इस बात को समझो, आगे ये जो हो रहा है 16 दिन, ये तो स्टार्टिंग फेज है। मैंने कहा है अभी जो हो रहा है इससे भी डेंजर जो है वो अगले 5 साल, 5 अगले साल होगा 5% इंक्रीज, फिर उससे भी ज़्यादा डेंजर उसके अगले साल 5% इंक्रीज, फिर उसके भी आगे और वो इंक्रीज होगा। यानी आज अगर जो हो रहा है उससे 5 गुना अगले साल, हाँ तो एक तो होता है 105 गुना, 105%, फिर उसके अगले साल 105 का 5 गुना, यानी कितना होता है 125%, फिर उससे उसके 5 गुना, तो 125 का कितना होता है 5%, 5 गुना, तो वो 250-300 के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे एक्सट्रीम होने वाला है 25 तक। तो ये आप समझो भी कोई आसानी से ट्रांजिशन होने वाला नहीं है, ये बहुत बहुत ही एक्सट्रीम रहने वाला है। और जब ये होगा तो रूह कांपेगी। अभी आपने जो देखा है उत्तराखंड में, गुजरात में, आसाम में, केरल, कर्नाटक, आपने कोंकण एरिया में, ये एक्सट्रीम चीज होने वाली है। इसमें पांचों तत्वों का अपना अपना रोल वो दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ जल तत्व था, वो भी स्टार्टिंग फेज में था। मैंने कहा आपको ये तो सिर्फ अंगड़ाई ले रहा है, अभी नींद से उठा है, ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज में था, ये उठा है अभी, अब ये ब्रश करना चालू करेगा। तो इसमें जो पैनिक नहीं होंगे, जो काम रहेंगे, और जो चीजें मैंने बोली, जो जिन्होंने मानी, जो जो एरिया कहा है, कोस्टल रीजन्स, नदियाँ, नाले, इनसे दूर रहेंगे। अपने पहाड़ी एरियाज, भूस्खलन जहाँ पे होते हैं, और स्पेशली जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, और उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश, ये जो है ये रीजन, थोड़ा संभल के रहिए। थोड़ा सेफ रहिए, अवेयर रहिए, अपनी इमरजेंसी किट डोर के पास बना के रखिए। तो आप अपने अपने रीजंस जो बोले हैं मैंने अभी, और साउथ रीजन एक बड़ी सुनामी के लिए प्रिपेयर रहिए। तीनों तरफ से सुनामी के चांसेस है। तीनों तरफ से, अंडमान निकोबार से भी, लक्षद्वीप से भी, और इधर एक 250 नॉटिकल माइल्स मुंबई से, गोवा से एक स्पॉट है जहाँ पे एक अर्थक्वेक का सेंटर है, तो उधर से भी, तो ऐसे तीनों तरफ से साउथ इंडिया पे एक सुनामी है चांसेस।
इंडोनेशिया से एक अर्थक्वेक की एक्सपेक्टेशन है जो वियतनाम पे भी असर डालेगा सुनामी का। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक बन रहा है, पूरे पृथ्वी पे हो रहा है ऐसा, ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र, भारत की भी, आप भारत में, इसलिए भारत की बात बता रहा हूँ, अर्थक्वेक अफगानिस्तान में भी होने वाले हैं, अर्थक्वेक पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, अफगानिस्तान में भी होने वाले हैं, रशिया में भी होने वाले हैं, आपके यूक्रेन में होने वाले हैं, आपके साउथ डकोटा में होने वाले हैं। येलोस्टोन अर्थक्वेक जो है वो इरप्शन के रास्ते पे है। येलोस्टोन अगर इरप्ट होगा, तो आपने अगर 2012 की मूवी देखी होगी तो वो जो मूवी में दिखाया था इरप्शन वोल्केनो का 2012, वो है वो। तो येलोस्टोन भी एक इरप्शन के रास्ते पे है, एक्टिव हो चुका है। कल 2 दिन पहले संडे के दिन जापान का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और वो जो है वो प्लेट अपने ही एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, टेक्टोनिक प्लेट के साथ वो अटैच है वो प्लेट, तो वो इरप्ट हुआ है। इधर से आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्लेट इरप्ट हुई है, हिमाचल प्रदेश में कल भूकंप हुए थे। तो समझिए इस चीज को, सरकार आपको ये बताएंगी नहीं, नहीं चाहेंगी, वो तो चाहते हैं कि लोग खत्म करें, वो चाहते हैं कि जनसंख्या कानून आए, वो क्यों फिर बचाएंगे आपको? और ये जो आज आ रहे हैं 4 के और 5 रिक्टर स्केल की भूकंप, जो आप लोगों को महसूस नहीं होते हैं, आप इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, याद रखिए 2023 के मार्च अप्रैल के बाद में 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा, और वो आपको इतना, आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे क्या? जैसे आज आप 4 और 5 को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसी तरह से आप 10 रिक्टर स्केल को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली आप किसको लेंगे? सीरियस लेंगे आप 16 से 18 रिक्टर स्केल के जो भूकंप रहेंगे, आप उसको सीरियसली लेंगे जिसमें जमीन फटती है। 10 रिक्टर स्केल में सिर्फ हिलती है, घर गिरते हैं, तो उसको आपको नॉर्मल लगेगा। ये सब चीजें ये इस साल भर में होने वाली है, इस साल भर की बात कर रहा हूं मैं। साल भर में जो होने वाला है उसमें आप कोई प्लेस सेफ नहीं है भाई साहब, कोई प्लेस सेफ नहीं है। अर्थक्वेक पूरे पृथ्वी पे आने वाले हैं,